बाद पुलिस लाइन के सभागार में एसपी ग्रामीण संजय कुमार ने हैदरगंज कांड का खुलासा किया। 13 वर्षीय किशोर की हत्या में उसके ही 3 मित्रों जो कि नाबालिग हैं को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में बताया कि 6000 रुपए व मोबाइल को लेकर कहा सुनी व क्रिकेट में हुई मारपीट के मामले को लेकर किशोर की हत्या की गयी थी। सभी नाबालिगों को जुनाइल कोर्ट में पेश किया गया, सभी को जेल भेज दिया गया। एसपी ग्रामीण ने पुलिस टीम को एसएसपी की तरफ से 15000 रुपए इनाम की घोषणा की है। इस प्रेस वार्ता में सीओ बी कापुर, एसओ हैदरगंज, रामचंद्र सरोज शामिल रहे। ये देखिए, 31 तारीख के रात में एक सूचना मिली थी कि एक दिव्यांश नाम का लड़का 14 साल का गुरु राघोपुर गांव थाना खंडासा हैदरगंज में से गायब है। उस संबंध में पुलिस सूचना के आधार पर एक्टिवेट हुई थी और बाद में उसकी 1 तारीख को डेड बॉडी मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा 302 कायम किया था। और 302 कायम करने के बाद इस लड़का, इसमें शीतल नाम का लड़का चूंकि नामजद हुआ था तो उससे पूछताछ की गई। तो कड़ाई से पूछताछ के दौरान उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसके आधार पर घटना का पर्दाफाश हो गया है और इसमें 3 मुलजिम जो है उस दिव्यांश के मर्डर केस में, जो 14 साल का बच्चा था और एक ग्रासेस उसके गन्ने के खेत में उसको बुला करके पीछे से हमला किया गया, उसके बाद इन सबों ने तीनों ने उस घटना को कारित किया था। मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि उसमें 6000 रुपए और क्रिकेट के खेल में थोड़ा विवाद हुआ था और 6000 रुपए मोबाइल का उसमें विवाद था कि एक लड़के ने इसमें 6000 रुपए दिए थे इसको लेने के लिए दिव्यांश को, उसने नहीं दिया था वापस ना तो मोबाइल दिया था, जिसके कारण से 3 लड़के, कोई 1500 दिया था, कोई 2000 दिया था, कोई 6000 दिया था, तो कई लड़कों के मोटिव इसमें मिल गए और मोटिव के आधार पर उन्होंने दुश्मनी के आधार पर उनको हत्या को कारित किया। क्या लगता नहीं है कि जो हत्या का तरीका है वो फिल्मी स्टाइल सा है, फिल्मी से कहीं ना कहीं प्रेरित थी? ये फिल्म का एक पार्ट जो दक्षिण भारतीय में दिखाया जाता है विभत्स तरीके से हत्या करने का तरीका। अब इसके बारे में मैं तो साइकोलॉजिकली मैंने इससे पूछताछ अभी नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं से चूंकि बच्चे अभी नई उम्र के हैं और फिल्में देखते हैं और फिल्मों से प्रभावित हो सकते हैं, मैं इसमें इनकार नहीं किया सकता है, लेकिन यह कि जो घटना कारित की गई है बहुत ही सनसनीखेज घटना थी और इस घटना का खुलासा पुलिस ने 12-15 घंटे के अंदर ही कर लिया है। एक तरफा प्यार इसके अब इसके बारे में तफ्तीश की जा रही है, अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसमें निश्चित तौर से आपके संज्ञान किया जाएगा। बरामद क्या क्या चीज हुआ? इसमें कड़ासा बरामद हो गया है, कपड़े बरामद हो गए हैं और जहां लड़के इकट्ठा हुए थे वो जगह को भी चिन्हित कर लिया गया है, ब्लड स्टेन्स वगैरह लिए गए हैं, मोबाइल बरामद हो गया है लड़के का और चप्पल बरामद हो गया है, इतने चीजें बरामद हुई हैं और उस मुलजिमान की निशानदेही भी बरामद हुई है, तो तदनुसार हम उसमें धाराओं में वृद्धि करके कार्रवाई कर रहे हैं। थाना कोतवाली में एसपी सिटी ने बाइक चोरों का खुलासा किया। एसपी सिटी अनिल सिंह सिसोदिया ने बताया कि 2 बाइक चोरों को बाइक सहित गिरफ्तार किया गया। शहादतगंज चौकी इंचार्ज अवनीश कुमार चौहान व कैंट एसओ राजेश सिंह ने इनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप देख रहे हैं कि एक आलोक कुमार हैं और एक मोहित त्रिपाठी हैं,
ये हमारे यहाँ से मोटरसाइकिलें बहुत चोरी होती हैं शहर क्षेत्र से, खास करके कचहरी, जिला अस्पताल। ये जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी, चेकिंग में ये लोग पकड़े गए हैं दो लोग। अभी तो दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक पल्सर और एक स्प्लेंडर है, लेकिन ये गिरोह इनका बहुत लंबा है। अभी इसमें एक और नाम का आदमी है जिसका पूरा पता नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारी टीम अभी लगी हुई है, स्वाट टीम भी लगी हुई है। करीब 8-10 मोटरसाइकिलें चोरी की अभी और बरामद होने की इसमें उम्मीद है। एक लड़का जो विकास उस दिन कचहरी से पकड़ा गया था, जो मास्टर की रखता है, चाबियों से चोरी करता था, वो जो गया है कोतवाली नगर से जेल, और दो लोग ये पकड़े गए हैं। तो काफ़ी चोरी, जो वाहन चोरी हो रही थी, इस पर अंकुश लगेगा। तो इसने अच्छा काम किया इन लोगों को, नगद पारितोषिक भी SSP साहब ने देने के लिए कहा है। विशेष करके इसमें IC जो शहादतगंज है, मनीष चौहान, उनके साथ जो उनके सिपाही लोग हैं, SO कैंट, इन लोगों की बड़ी अच्छा काम रहा है, सराहनीय काम रहा है। अभी तो इसमें और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और ये बाहर के लोग हैं, इसमें जैसे जिला अस्पताल है, कचहरी है, महिला अस्पताल है, HDFC बैंक है, ये लोग कहीं कहीं से जो लोग अपनी गाड़ियां नहीं खड़ी करके पार्किंग में घूमते रहते हैं, किसी को देख लेते हैं कि एक गाड़ी खड़ी करके बैंक में गया है, कचहरी में काम से गया, उसको उठा लेते हैं। अक्सर बाहर से लोग आते हैं। वो जो लड़का पकड़ा गया वो इनायत नगर का था, ये दोनों लोग रौना ही के हैं। तो दिन भर में एक दो मोटरसाइकिल वगैरह लेके निकल जाए तो इनका काम हो जाता। तो इस रैकेट के लिए हम लोग थोड़ा सा मेला वाला से फुर्सत पाए, अब तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वाहन चोरों गिरोह में भी और इसमें कार्रवाई होगी। इसमें कितने तलाश है जैसे पूरे गिरोह में? दो ये हो गए, एक पहले गया है विकास, एक इसमें मेन जो चोर है पिंटू नाम का, अभी उसका पूरा पता ही नहीं बता पा रहे हैं। किराए का मकान लेके रहता है गोंडा का, बाहर का, वो इसमें मास्टर सरगना है। अभी उसकी हम लोग सही नाम पता तलाश कर रहे हैं। तो फैजाबाद में ही किराए का मकान लेके रहता है, ये मिलेगा तो और गाड़ियाँ बरामद, जहाँ जहाँ बेचे हैं वहाँ वहाँ से फिर बरामद की। ये लोग कहाँ बेचते थे ले जाके इसको? ये वही पिंटू जो इनका मेन सरगना है वो बिचवाता था। ये तो मोटरसाइकिल चोरी की इनके पास से मिल गई और उसका पूरा पता नहीं बता पा रहे, लेकिन अभी इसमें हमारी टीम लगी हुई है, काम कर रहे हैं, स्वाट टीम भी इसमें काम कर रहे हैं।